हे गाइस, कैसे आप सब। मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम किसी कपल का प्रैंक करने जा रही हूँ। और प्रैंक क्या होगा मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, कि मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। बस जाके मैंने सोचा कि हाँ भाई बैठे अच्छे लग रहे, तो क्यों ना थोड़ा बहुत इनके बीच लड़ाई करवाए और देखते कैसे करवाते। तो बाकी आप वीडियो एंड तक देखना, एक बार दिखाना यार, एक बार उनको दिखा दो बस, लग अच्छे रहे वो लोग। तो बस यार, तुम कैमरा हाइड कर लो, पहले तुम जाके हाइड कर लो, मैं हंसते में उनके पास जा रही हूँ, ठीक है। बाकी आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना। मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में, बाय बाय। सो हे गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अपनी ज़्यादा शॉपिंग अमेज़न से करती हूँ, तो मैंने अमेज़न से अभी काफ़ी सारे कई प्रोडक्ट बाय करे, और मैं आपको रिकमेंड भी करती रहती हूँ कि आप लोग भी वहाँ से शॉपिंग ज़रूर करना। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ से बहुत ही प्यारा कैप खरीदा है, और उसमें मुझे ये कैप मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, और मुझे काफ़ी ठंड भी नहीं लगती, और मतलब ये कैप पहन के मुझे लुक भी बहुत अच्छा आता है। और सेकंड, आप लोगों को पता है कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो आज मैंने वहाँ से कई सारे मेकअप प्रोडक्ट बाय किए। तो मैं आपको फर्स्ट मेकअप दिखाती हूँ। वहाँ पर मुझे पूरा मेकअप कॉम्बो मिला, जिसमें मुझे हुडा ब्यूटी की तरफ से एलोवेरा हमारे फेस के लिए कितना अच्छा है, एलोवेरा किट मिली है, कॉम्पैक्ट पाउडर मिला जो काफ़ी अच्छा है। सेकेंड, उसमें मेरे आई शेडो पैलेट निकला, लिप कलर्स निकले, नैन पॉलिश, मस्कारा, लाइनर, बहुत सारी चीज़ें निकली, और मुझे इस चीज़ के कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, तो मेकअप वगैरह तो करना ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये कॉम्बो बुक करा, और इसकी क्वालिटी मुझे A1 लगी। और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग पहले अमेज़न से कर चुकी हूँ, और मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया था कि अपनी आप फैमिली फ्रेंड्स सबसे ज़रूर खरीदे। और थर्ड चीज़ मैंने करी है, जैसे कि आप लोगों को पता है बालों में डैंड्रफ, बाल झड़ना, पतला मतलब आपको पता है मेरे बाल का हेयर काफ़ी पतले थे, तो मैंने थर्ड चीज़ करी है हेयर ग्रोथिंग ऑयल। ये हेयर ग्रोथिंग ऑयल मैंने खुद अप्लाई किया, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करी कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो ज़रूर खरीदना। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करी, अगर आप लोगों को कुछ भी सामान बाय करना है तो आप ज़रूर अमेज़न से एक बार विजिट ज़रूर करना। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हर ज़्यादातर शॉपिंग अपनी अमेज़न से करती हूँ, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग बाय करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके लिए बाय करो यार, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये कैप। और मेकअप तो हर लड़की का फेवरेट होता है, तो यार ज़रूर एक बार ज़रूर बाय करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो गाइस फॉलो ज़रूर करना, और जिसने अभी तक बाय नहीं करा ज़रूर अमेज़न से जाके सामान बाय करना, और वहाँ पे कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, तो एक बार ज़रूर जाके विजिट करना। मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में, बाय। हेलो, मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप लोग बातें कर लो, मैं बैठ जाती हूँ बस चुपचाप। हाँ तो क्या करती थी बता यार, मैं ऐसे करके हाथ रख सकती हूँ आपको। अरे अब निकुल राठौर, हाँ जी आप मुझे जानते हो यार, मैं आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ। थैंक यू सो मच यार, आप काफ़ी अच्छे कहीं आप वीडियो ना। अरे नहीं यार, मैं जस्ट ऐसे बैठने आई थी एक्चुअली ना, कि क्या बात है ना, मैं आपको वहाँ से देख तो बात कर लूँ, मैं पागल हूँ क्या? रुकोगी तो मैं क्या रुकूँगी मैं यार, एक्चुअली ना मैं ना आपको वहाँ से देख रही थी, सो मुझे आप काफ़ी गुड लुकिंग लगे, सो मैं यहाँ पे आई। आप मुझे मतलब मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अरे क्या हो, इधर इधर देखे जा रहे, दिख नहीं रहा है मैं। बात करना है तो बात करने में क्या जा रहा है? अरे बात मतलब तो बस मैं इंतजार देख रही हूँ, पागल की तरह पागल हूँ यार। तुम भी रोज बात करो, फेमस है यार ये, फेमस है। अरे तो क्या हो गया, मैं 4 घंटे से वेट कर रही थी, आप कल इतना लेट आए हो। अच्छे काम करते ना आप, थोड़ा पास आ जाओ यार, गुस्सा हो जाएगा। अच्छा गर्लफ्रेंड है आपकी? वैसे अच्छा, मुझे लगा आप सिंगल हो, डेट पर मैं आपसे बात करने आई थी। फिर भी थोड़ा बहुत बात तो कर सकते हैं हम, जस्ट फ्रेंड के तरह कॉन्टैक्ट नंबर शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आपको पागल हो गई हो क्या लड़की को देख? अच्छा वो ज्यादा सुंदर है, सुंदर से पागल हो गई हो देख के यार। तो क्या हुआ, हम जस्ट बात ही तो कर रहे हैं यार। आपको सुंदर में मना तो ना करो, तो मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, कल से फोन। ठीक है आप और इंतजार कर लो, हम थोड़ा और बात कर लेते, आप 2-3 घंटे और इंतजार कर लो, और क्या कॉफी डेट वगैरह पे भी तो चल सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत है वैसे? अच्छा क्यों जाएंगे कॉफी डेट पे? क्यों नहीं मतलब यार, जा जाएंगे बिना मतलब ही यार, जस्ट फ्रेंड यार, क्यों फ्रेंड ये मतलब एक ही दिन में फ्रेंड बन गए? देखो आप मुझे जानते हो यार, आपने मुझे फॉलो भी कर रखा है यार, तो फिर क्या हो, तुम दिमाग खराब है तुम्हारा? अब तो आपने हाथ पे हाथ भी दे दिया है। छोड़ो हाथ छोड़ो, ये क्या है यार, ये आपकी सीरियसली गर्लफ्रेंड है? आई एम गर्लफ्रेंड है, लग तो नहीं रहा यार, मतलब ये तो ज्यादा कुछ हो गया ना, मतलब चलो एक काम करते हैं, आप छोड़ दो उसको। क्या बोली, पागल हो गई, छोड़ दो यार, शादी करनी है हमें। ओह सीरियसली आप शादी करोगे? तो थोड़ा सोचो, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ तो चलो ठीक है, आप ऐसे तो मानोगे नहीं, चलो आप उससे ब्रेकअप ले लो, मैं आप मेरी अच्छा अच्छा ऐसा है, जहाँ से ही मान चले जाओ, मैं तो मान यार, ये तो चढ़ ही जा रही है मेरे ऊपर। क्यों नहीं करूँ गुस्सा, तुम उधर उधर देखे जा रहे हो, मैं क्या बिल्कुल ही पागल हो गई लड़की को देख के, क्या बोलूँ मैं,
अच्छा ये बताओ सुबह से क्या कर रहे थे? इधर आओ आप यार, पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आप ऐसे नहीं मानोगे, देखो मैं आपको बोल रही हूँ, आप मैं आपको 20 के दूंगी कैश, लालची नहीं है ठीक है, और आप पैसे वैसे और बहुत पैसे मारे, और आप उसको छोड़ दो क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आ रही यार, वो मेरे पे चिल्ला रही है। नहीं यार नहीं छोड़ोगे? मैं अभी कैश दूंगी यार, सीरियसली यार मजाक मत करो यार। क्या तुम लालची हो गए हो क्या? मतलब लड़की देख रही हो, मतलब उसकी तरफ देखी जा रही हो यार? कैश ऐसा करूंगी मैं, 20 के से भी ज्यादा ही होगा। अपने पैसे अपने पास रखो ठीक है, सोच लो यार, लास्ट ऑफर है। नहीं नहीं कोई पैसे नहीं चाहिए इनको, इधर देखो ना यार, दो मिनट रुको यार, 20K अच्छा तो 20K से ज्यादा है आई थिंक, मेरे को 30 घर पे दे दूंगी मैं जाके ठीक है, तुमको पैसे अब यार यार सुनो, वैसे भी आपकी मेरी शादी तो होने होने वाली है। मतलब क्या है ये, फिर शादी नहीं होनी है तो मैं किसी और को मतलब बनाने दूं गर्लफ्रेंड? यार जब आपकी फैमिली मेरी फैमिली मानने से रही है तो फिर यार कोई यार बुराई भी नहीं यार इनमें। अरे यार फेमस यार, ये सोचो ना, 5 साल से जाती हूँ आपको, आप ऐसे ऐसे क्या कह रहे हो पता है आपको? कोई नहीं, 5 साल का रिलेशनशिप 5 मिनट में टूटने में टाइम थोड़ा लगता है यार। पैसे यार, लड़की हो तुम्हें पता नहीं हम गर्लफ्रेंड यार, लड़की की बात नहीं यार, वो बंदा मुझे जानता है, मैं उस बंदे को पहचानती हूँ यार। देखो अब यार पक्का ना, क्या यार पहले अपना नंबर डाल दो यार लो इसमें। अरे देखो यार, छोड़ो फोन छोड़ो, क्या है समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से बोल रही हूँ, इतने देर से क्या यार, अब तो हो गया सब कुछ, जाओ यहाँ से ठीक है, जाओ यहाँ से हमें यार, देख लो यार, जाओ यार, जीएफ हो यार, जीएफ ये लो यार, अब हम इस डेट पे चल रहे हैं, यार चलो यार, समझ में नहीं रहा। ओ यार बोल दो ना, जाओ यार, मेरे पे चिल्ला रही है वो आपके होते हुए, मेरे पे यहां बैठो तुम, पैसे दो दे, पैसे दो, बोल दो ना पैसे दो, क्या पैसे दो, मैं पैसे दो, नहीं नहीं जी, अब लो यार, लो क्या, लो यार लो लो, बस मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूं और समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल छोड़ो छोड़ो इनका हाथ छोड़ो यार, मेरी गर्लफ्रेंड बाहर पीछे जाओ यार। अरे क्या 5 साल से जानते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम यार, तुमसे 5 साल यार, 5 नहीं क्या यार, ये बताओ यार, यार एक बात मुझे बताओ आप, चलो एक बात मुझे बताओ, आप इनसे शादी करोगे? यार नहीं मानेगी फैमिली यार, फैमिली मानेगी तो ऐसे कैसे मैं जाने दूं किसी लड़की के साथ में यार, हमें मान जाएगी ना, मेरे मान जाएगी, मेरे मान जाएगी, पता है क्या क्या कसमें खाई थी तुमने, क्या क्या करा यार, वो सब छोड़ दे यार, कसमें तो यार होममेड में टूट जाते यार, अगर कसम खाने से कोई मरता तो यार, यार मुझे मिल रहा है फायदा, हाँ फायदा मिल रहा है, मैंने तो अभी बकाया था 20,000 उनको कैश दिए, पैसे वापस करो उनके, चलो आप तो साहब ये लड़के पागल, इसकी बातों में मत आओ, फेमस यार वो, फेमस है यार वो, तो क्या हो गया फेमस है तो यार, मैं भी हो जाऊंगा फेमस, आप नहीं समझ रहे, आप जाओ, प्लीज मैं बोल रही हूँ ना, मान जाओ तो कुछ भी नहीं है, वो पागल बना रही है आपको, पैसों का लालच दे रही यार, यार वो पैसे तो बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है पैसा, मैं तो मेरा iPhone 13 दिलाऊंगी ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, और बस पैसे तुमने रख लिया ना, अब यार सीरियसली क्या है यार, यार जाओ ना यार, क्या नहीं करे ये बताओ, ये बताओ तुमसे मिला ही क्या मुझे, कुछ नहीं मिला मेरे से, तो अभी बकाया था 1 मिनट में 20,000 रुपए मिल गया, सोचो हर 1 मिनट में तो 20,000, 2 दिन की लड़की आपको 1 घंटे में, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है आपको वो अच्छी लग रही है, हाँ यार जाओ यार, कभी कभी ना 1 घंटे में भी प्यार हो जाता है, 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, अरे कुछ नहीं है वो पागल यार, पहले तो देखो लोग देख रहे हैं, पहले चुप कराओ यार, रोने रोने का ड्रामा मत करो यहाँ पे, प्लीज यार चुप हो जाओ यार, देखो यार सब कुछ खत्म कर दिया ना, इसको बोलो नंबर डिलीट कर दिया, वो चल देखो 5 साल, अरे छोड़ो फोन, अरे फोन छोड़ो ना, रुको नंबर नंबर सब डिलीट कर दो, फोटो सब कर दो, रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं, ना किसी से बोले और बोल दो सबसे ब्रेकअप हो गया, और ना घर वाला कहीं सुसाइड कर ले भाई, समझा दो, तुम फंसो भी बाबू, देख लो मत करना ठीक है, ब्रेकअप हमारा अपनी फैमिली से बोल देना, जहाँ वो तुम्हारी शादी कर रहे हो वहाँ खुश रहो भाई, चलो अपना आप कैसे जा सकते हो, 5 साल हो गए आप कैसे, ए भगवान 5 साल का रिलेशनशिप 5 महीने टूट गया, टूट गया यार, मैं इनसे शादी कर लूंगा, फैमिली बन जाएगी मेरी, मैंने तो इतना भरोसा किया था आप पे, यार भरोसा तो टूटने में टाइम, टूटने में टाइम कम लगता है यार, यार मैं कुछ नहीं कर रही यार, बस मेरे वो लड़का मेरे पीछे पागल है, मैं उसके पीछे भागूंगा, बस अब सुन लिया, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, बिल्कुल भी यार, देख लो यार मेरे से बोल रही है वो, जा रहे हो जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आ रही आपको, मैं
यार बट एक काम है, एक सेकंड रुक जाओ, इधर तो आओ, सुनो क्या नाम, सुनो इधर आओ, आओ तो बुलाओ यार, यार इधर आओ, लास्ट टाइम मुझे एक चीज करवानी है, यहाँ बैठो, आओ आप भी बैठो। अच्छा पहले तो वो जो मैंने आपको नोट दिया ना वो मेरे को एक बार दे दो आपको, हाँ एक बार दे दो, ठीक है हाँ okay. अब एक मुझे आप एक बात बताओ, आप इतना ट्रस्ट करते थे इनसे, 5 साल का रिलेशन लिए थे, इस बार मैंने 5 साल का रिलेशन 5 मिनट में तोड़ दिया, सोचो बंदा कैसा होगा। बाबू आपको कुछ नहीं, अब मेरे को कोई बात नहीं करती मैं, देखो आप मेरे को बहुत अच्छे जानते हो ना, हाँ तो मैं ना बस एक शूट कर रही थी, वो भी एक्साइटमेंट आई एक टाइप का, और आपने उस लड़की का ट्रस्ट भी किया, 5 साल का रिलेशन जब आपने 5 मिनट तोड़ दिया, आपको शर्म आनी चाहिए, और आपने सीधा साफ बोल दिया कि मेरे को तो शादी वादी नहीं करनी, फिर भी वो लड़की आपके साथ रहेगी, सोचो फिर मैं कितनी गर्ल्स होंगे, अब क्यों करना, मैं 5 साल की पागलों की तरह बोल रही थी, तब तो मुझे भी नहीं आ रहा था, पैसे पैसे के तुमने 5 साल का खत्म कर दिया यार, मैं वो लग रहा था वहाँ पे कैमरा, और मैं जब से शूट करके मुझे नहीं पता था कि वो इस टाइप का शूट होने वाला है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, अब आप ध्यान बनाओ, मैं आप यार बैठो तो यार, जब से भी तो बोल सकते थे आप, अब वो अब देखो अब मैं मनवा सकती हूँ, अब पहले आपको सबके सामने बोलूंगा हाँ भाई आप उससे शादी करोगे, ऑन यूट्यूब पूरा यूट्यूब देखेगा, मैं चैनल पे वीडियो डालने वाली हूँ, ओके मैं शादी करूंगा पक्का, अपनी फैमिली को मनाओगे, मनाऊंगा अभी जल्दी कर, 5 साल का रिलेशनशिप है ना, हाँ तो बस अब कर लेना, पक्का पक्का, उनसे सॉरी बोलो पहले, सॉरी यार आप भी इनको माफ कर दो, कोई बात नहीं, अभी पूरी यूट्यूब में बोल चुका है कि शादी करेंगे आप, टेंशन मत लो, शादी करूंगा यार, वो लग रहा है कैमरा एक बार देख लो और हाई कर लो और बोल दो हाँ करूंगा मैं, और आप ऐसे ओके ठीक है, ठीक है चलो ठीक है बाय, अच्छे से रहो, और अब आगे से प्लीज ऐसा कुछ मत करना यार, ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना गाइस, प्यार 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 मतलब 5 साल का रिलेशनशिप मुझे 5 मिनट में तोड़ दिया, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, जो कोई भी लड़की आपके साथ अपनी फैमिली सबको सैक्रीफाई करके 5-6 साल से साथ है तो यार उसको भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर आप किसी से शादी नहीं कर सकते तो रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना, मैं मिलती हूं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।